यूट्यूब फैमिली, ये देखिए पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि आलू बॉयल हो रहे हैं, तो यहाँ ये फाइनल मैं कटलेट्स बना चुकी हूँ। बहुत करारे बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। इसका तो कच्चा मटेरियल भी बहुत मज़े का, आलू वाले पराठे बनाए तब भी बहुत मज़ा आता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कटलेट्स कैसे बने, खाने में कैसे थे। यहाँ पर मैंने फ्राइंग का सिलसिला शुरू कर लिया था। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत कलर आया है, ये कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। मिनाइल के बाबा ने आके बोला कि मुझे थोड़े से चावल बना दो, क्योंकि लेफ्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी थोड़ी सी, कहते मुझे चावल बना दो। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह कितने खूबसूरत फ्राइंग कटलेट्स और दाल चावल मज़े मज़े का मैंने आज। हाँ जी गाइस, ये देखिए यहाँ पर आज अचानक मेरे कुछ मेहमान आ गए। असल में फ्रेंड तो वो उमुल वरा की हैं और उसकी मामा से मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। तो ये देखें जनाब, हमारी तो मौज लग गई, आम की पूरी पेटी देकर गई हैं ये देखें, और मज़ा आ गया। थोड़ी सी देर के लिए आई थी मुझसे मिलने, और ये उनका प्यार था, ये उनका प्यार था मेरे लिए जो ये तोहफा लेकर आई गर्मी का। और इंसान इसमें यही देख रहा होता है कि कोई बंदा कितनी चाहत आपसे रखता है, वरना ये चीज़ें तो देखें इंसान खुद भी ख़रीद के खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन स्पेशल देने आई, क्या था वो बाइकियाँ भी करवा सकती थी, लेकिन वो मुझसे मिलने आई और मुझे आम मैंगो देने आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच असमा, सना असमा, क्योंकि सना आई थी, सना असमा एंड उनकी मामा, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। मिनाहिल उठ जाओ, शर्म नहीं आती, ऊपर से आई हो तो नीचे आके लेट गई हो, जल्दी से उठो, उठ जाओ, देखो टाइम क्या हो रहा है। नहीं अच्छा नहीं, 1 बज गया, फौरन अटेंशन हो जाओ, जल्दी करो, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पर मैं मिल्क शेक बनाने की तैयारी करने लगी, चलो बच्चों को मिल्क शेक बना देती हूँ। गर्मी का नाश्ता तकरीबन यही होता है, इसके अलावा तो कोई ख़ास नाश्ता नहीं करते बच्चे। फिर दोपहर की रूटीन शुरू हो जाती है, क्योंकि देर से सोकर उठना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब उठते हैं तो देर तक ही सोते हैं। आज तो मिनाहिल ने मैंने बहुत सी नाते भी पढ़ी, तकरीबन हम 7 बजे सोए हैं, नाते पढ़ते रहे फजर की नमाज़ के बाद। यहाँ पर मैं मैंगो पील करने लगी थी और मिल्क शेक की तैयारी हो रही थी, नाश्ता बनना था, मिनाहिल उठ गई थी, और यहाँ पर खान साहब ना कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि मेरे लिए ना टिंडे बना दो, ये मैं टिंडे बनाने लगी हूँ खान साहब के लिए। और आज मेरा इरादा है कि मैं कद्दू और चने की दाल बनाऊँ। ये यहाँ पर मिनाहिल का नाश्ता बन चुका था, मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता तो एज यूजुअल सबके घरों में तकरीबन सेम ही होता है, और ये मिल्क शेक बन रहा था। यहाँ पर मैं टिंडों को काट चुकी थी, मैंने टिंडों की ना भुजिया बनानी है, और ये मैं प्याज कटिंग कर रही थी। प्याज कटिंग हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि प्याज को हल्का सा फ्राई करके नरम करना है, ब्राउन नहीं करना, घी में हल्का सा ब्राउन हो जाए और नरम हो जाएगी ना, तो उसमें सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च, क्योंकि खास सबको मैं हरी मिर्च में बना के दूँगी, नहीं तो कूटी मिर्च से भी टेस्ट आता है। सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च और टमाटर ज़्यादा डलते हैं इसमें, तो बस नमक, हल्दी, बस इन्हीं मसालों में ये बनेगी। ये बहुत टेस्टी बनती है भुजिया, इसमें इसका टेस्ट ही टमाटर से आता है और कूटी मिर्च, लेकिन यहाँ पर मैं हरी मिर्च इस्तेमाल करूँगी। ये यहाँ पर प्याज मेरी नरम हो गई थी, तो इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च शामिल करने लगी हूँ। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर दिए, थोड़ा सा लहसुन अदरक डालूँगी, और उसके बाद इसमें ये मैं ड्राई मसाले, सिर्फ ये सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च में बनाऊँगी हांडी, क्योंकि खान साहब सिर्फ मिर्च से ना ज़रा उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता। उसके बाद इसमें मैं टिंडे शामिल कर दूँगी, और ये बहुत टेस्टी बनती है भुजिया, बहुत मज़ेदार बनती है। टिंडे वैसे तो कोई नहीं खाता, इसका नाम सुन के ही बच्चे भागते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, और स्पेशली इसके साथ ज़ीरे वाला दही का रायता बनाए चटनी मिक्स करके, तो बहुत मज़ा आता है दोपहर के खाने का, टिंडों की भाजी और रायता, पुदीने की, धनिया की चटनी और सफ़ेद ज़ीरे के साथ। तो ये जब तैयार होगी इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनती है। लेकिन बच्चे तो नहीं खाएंगे, मुझे पता है, सिर्फ खान साहब के लिए बना रही हूँ मैं, और बच्चों के लिए तो एक अलग से हांडी बनेगी, वो भी आज मैंने क्या कद्दू और चने की दाल सोचा है,
क्योंकि बनाने की समझ ही नहीं आ रही थी। मैं कहा कद्दू चने की दाल बनाती हूँ। इसके अलावा और भी डिफरेंट सी एक्टिविटी है, क्योंकि संडे को मेरे घर में VIP गेस्ट आने हैं, तो उनकी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो देखती हूँ वो मैं क्या क्या बनाती हूँ, और आप लोगों से शेयरिंग करूँगी जो जो डिशेस बनाऊँगी। और यहाँ पर इसके अलावा मैंने होम मेड कंडेंस मिल्क बना रही हूँ। कंडेंस मिल्क तैयार होने के लिए रखा हुआ है। ये देखें दूध कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, खुश्क हल्की आँच पे। ये यहाँ तक था, मतलब देचकी के यहाँ तक था तकरीबन, ये 1.5 किलो दूध था। और ये मैं कंडेंस मिल्क तैयार कर रही हूँ। आपको पता जितनी भी किफ़ायत हो जाए ना घरेलू खवातीन से उतनी कर लेनी चाहिए। और ये मैं सभी बहनों को सजेस्ट करूँगी, जितनी महंगाई हो रही है क्यों अपना सर पीटना है। तो दूध बच गया था तो मैंने कहा कंडेंस मिल्क घर पे तैयार करती हूँ, क्योंकि उसका टिन आई थिंक मेरा ख्याल मैंने 1-2 महीने हो गए नहीं मंगवाया, 800-900 का तो होगा तकरीबन। मिनाहिल ये कौन सी जहालत है, तुमने प्लेट क्यों नहीं ली कचरे के लिए, छिलकों के लिए प्लेट लेते हैं नहीं लेते, क्या करती हो तुम, कैसे काम करती हो। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये बहुत बुरी बात है, काम करना सीखो। अब घर में ही मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कद्दू छीलना नहीं आता, छील तो रही हूँ। ये देखो कैसे छील रही हो टेबल पे, कम से कम बंदा एक प्लेट लेके बैठता है, कुछ मैनर्स होते हैं, तमीज सीख लो। लगता है तुमने उस कॉलेज से नहीं पढ़ा जहाँ तमीज सिखाते। म्यूजिक इतने खूबसूरत कलर के साथ मज़ेदार सी टिंडो की भाजी तैयार हो गई है। मैं खान साहब को खाना देने लगी हूँ, खाने का टाइम है। चले जी, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। न्यू आने वाले मेरे बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।